हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी की चाट। तो मैंने ये सूजी की कटोरी बनाई है और मोठ की ये चाट बना के रखी है। इसमें ना हमने घी का काम लिया है, ना ही हमने ऑयल लिया है। तो चलो शुरू करते हैं। मैंने 500 ग्राम के लगभग यहाँ सूजी ली है। ये एकदम बारीक सूजी है। इसमें मैंने 1 चम्मच नमक डाला है और इसमें डालेंगे हम खट्टा दही। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच के लगभग, जो बड़े चम्मच हैं वो 2 चम्मच हमने खट्टा दही डाला है और इसे मिक्स करेंगे। अगर हमें ज़रूरत होगी तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल देंगे। और हमें बैटर एकदम स्मूथ सा करना है, ना ज़्यादा पतला तो ना ज़्यादा गाढ़ा करना है। इस तरह से हमें ये बैटर बना के रखना है। तो इसे हम 10-15 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे कि सूजी अच्छे से फूल जाए। तो देखिए दोस्तों, 10-15 मिनट कंप्लीट हो चुकी है। तो हमने 1 पैकेट इनो का लिया है, ये प्लेन इनो है। तो ये इसमें डाल के थोड़ा सा हमने पानी डाल के और इसे 1-2 बार इस तरह से मिक्स करना है, ज़्यादा मिक्स नहीं करना है। अब हम लेंगे ये कटोरी, हमने सूजी की कटोरी बनाई थी तो इस तरह से हमने एक जैसी कटोरी ली है। इसमें मैंने चारों तरफ से ऑयल ग्रीस कर लिया है। और दोस्तों देखिए, हमने एक कढ़ाई में थोड़ा पानी डाला है जो तले में पानी रहे, और एक कटोरी हमने इस तरह से ली है और जालीदार हमने छलनी ली है। जालीदार आप कुछ भी ले सकते हैं। और देखिए इस तरह से एक बड़ी कटोरी में मैंने एक छोटी कटोरी को उल्टा करके रख दिया है। तो वीडियो दोस्तों अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और ये देखिए, हमने ये सूजी है वो इस तरह से डाल दी है। थोड़े से किनारे हमें खाली ही रखने हैं क्योंकि ये फूल के भी इनमें इनो डाला है, तो फूल के ये ऊपर की तरफ भी आएगी, तो हमें थोड़ा थोड़ा ऊपर से खाली ही रखना है दोस्तों। तो हमने 3 कटोरी में इस तरह से डाल दिया है और इसे 15 मिनट तक कवर करके रख देंगे। और गैस का फ्लेम हमें हाई पे रखना है। 15 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए चेक करते हैं, ये एकदम चाकू है वो एकदम क्लीन आया है, तो एकदम तैयार है। अब थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे तो किनारे अपने आप छोड़ देगी ये सूजी। तो हमने इसको निकाल लिया है, एकदम आसानी से निकल जाती है। जो अंदर हमने एक कटोरी लगा के रखी थी उसको हम इस तरह से चाकू से किनारे को छुटाएंगे, तो ये किनारे छूटने के बाद ये अपने आप आसानी से निकल जाएगी। देखिए दोस्तों, ये हमारी ये सूजी की कटोरी बनके तैयार हो गई है। इसमें ना ऑयल लगा है और ना ही इसमें घी लगा है। अब हम बनाते हैं मोठ की चाट। तो हमने ये 7-8 घंटे के लिए भिगो के और रात को हमने इसे गर्म जगह पर रख दिए थे। तो ये जो मोठ है ये एकदम अंकुरित हो गए हैं, तो इसको 2-3 पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। अब बनाएंगे मसाला। तो मैंने इसमें 1 चम्मच नमक, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और चुटकी भर इसमें हींग डाली है। थोड़ा सा पानी डाल के और मसाले को मिक्स करेंगे। तो ये देखिए, हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब हम लेंगे एक कढ़ाई, इसमें मैंने 2 चम्मच ऑयल डाला है, इसमें 1/2 छोटी चम्मच जीरा डालना है। जीरा झटकने के बाद सबसे पहले जो हमने मसाला बना के रखा था वो इसमें डाल देंगे। और इसमें अच्छे से उबाल आ गया है, मतलब मसाला सिक के तैयार है। तो इसमें हम डाल देंगे मोठ और इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें 1.5 कटोरी के लगभग पानी डाल देंगे कि ये जो मोठ है वो अच्छे से इस तरह से भीग जाए, क्योंकि इतना तो इसमें लग ही जाएगा। और इसको कवर करके गैस का फ्लेम एकदम लो पर करके कम से कम 15-20 मिनट तक रखेंगे। और ये देखिए, पानी एकदम सोख लिया है मोठ ने और ये मोठ भी एकदम सॉफ्ट हो गए, तैयार हो गए हैं। तो गैस को हम ऑफ़ कर देंगे और ये हमारे मोठ बन के तैयार हो गए हैं। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच अमचूर पाउडर, ये हमें लास्ट में ही डालना है। और हम बनाते हैं मोठ की चाट। तो हमने 1 बाउल में मोठ लिया है, कच्चे प्याज लिए और 1 टमाटर लिया है, और इसमें 1 खीरा लिया है जो छोटे छोटे टुकड़े करके हमने रख लिए थे, और इसमें थोड़ा सा हमने कच्चा धनिया लिया है, थोड़ी सी हरी मिर्च डाली है इसमें, अगर बच्चे खा रहे हैं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और इसमें थोड़ी धनिया की चटनी डाली है और इसमें थोड़ी सी इमली की चटनी डाली है, क्योंकि चाट एकदम चटपटी होनी चाहिए। तो हमने ये मिक्स करके ये मोठ की चाट बन के तैयार हो गई है दोस्तों। अब हम लेंगे जो सूजी की कटोरी थी तो इसके अंदर हमने ये चाट को डाल दिया है। तो देखिए दोस्तों, बच्चे इसे बहुत पसंद करके खाएंगे, ये एक यूनिक चीज़ है। तो इसमें हमने ना ऑयल लगाया है ना ही घी लगा है, एकदम हेल्दी गर्मियों के लिए इतनी टेस्टी नाश्ता बनके तैयार हुआ है। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना थे।